मैं तीसरी जमात में पढ़ता था तो उस वक्त हमारे इलाके में सिर्फ एक बस चलती थी मियाँ वाली से तलागा, तो उसमें जगह नहीं होती थी, तो लोग पैदल सफ़र करते थे और रात को आकर मस्जिदों में रहना और फिर दूसरे दिन 20-25 मील आगे जाकर वो करना। तो जो मुसाफिर आ जाते थे मस्जिद में तो वो होक्का हम कहते थे, वो देते थे कि जी आज मस्जिद में दो मुसाफिर आ गए हैं तो रोटी पहुंचा दो। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि जाओ बेटे ये रोटी दे के आओ, तो मैं ज़िद करता था कि नहीं अम्मा मैं पहले खुद खाऊंगा। तो अम्मा ने कहना कि नहीं बेटे ये तुम जाके दे के आओ, तो वापस आओगे तो मैं तुम्हें वो दही के साथ भी रोटी दूंगी। तो ये एक सोशल ट्रेनिंग थी कि पहले दूसरों की खिदमत करो उसके बाद अपने ऊपर आओ। मैं 7 फरवरी 1935 में पैदा हुआ हूँ। तलगांग एक जगह है चकवाल, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, और बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। तो वहाँ एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और वहाँ से मैंने अपनी 5 जमातें तालीम पूरी की, उसके बाद फिर अंग्रेज़ी शुरू की। और जब किस्मत साथ दे, अल्लाह ताला साथ हो, तो फिर दरवाज़े खोलते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे एक अजीज़ थे तो हम गंदम बेचने गए, ये 1947 के बाद की बात है। तो वो जो मेरे अजीज़ थे वो रिटायर्ड आर्मी हवलदार थे, तो आर्मी हवलदार वो कहने लगे यार आज काम कोई नहीं है तो चलो मैं तुम्हें फौज का सबसे बड़ा अफसर मिलवा के लाता हूँ। तो मैं ये समझता था कि कोई कर्नल वर्नल होगा। बहरहाल हम टांगे में बैठे, 4 जाने दिए, सदर हम गए CNC हाउस में, तो डगलस ग्रेसी, सर डगलस ग्रेसी, ही वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद जनरल अयूब आए। तो जब अंदर गए तो डगलस ग्रेसी की बीवी ग़ुलाम अहमद को बड़े तपाक से मिली जफ्फी डाल के, और मैं ये समझ रहा था कि यार ये देखो ये गैर औरत है और इससे इस तरीके से जफ्फी डाल के मिल रही है। तो कहती है कि ये कौन है? तो ग़ुलाम अहमद ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो मुझे भी उसी तरीके से जफ्फी डाल के मिली। हम बैठे तो वो चाय के लिए ना पेस्ट्री आ गई, और मेरी धोती बांधी हुई थी जो कि 8-10 दिन से के मैली थी, और खुला कुर्ता पहना हुआ था, फटी हुई जूतियाँ थी। तो बहरहाल वहाँ वो पेस्ट्री जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी, बाजरे की रोटी नसीब नहीं होती थी गांव में, कैद था, और पेस्ट्री जब मैं खाने लगा तो वो मैं कागज़ के खा गया। अब वो कागज़ ना अंदर जाए ना बाहर जाए, तो वो समझ गई कि ये, तो वो कहती है थूक दो। तो ग़ुलाम अहमद मुझे कहने लगा कि यार मरवा देते, तू बेइज्जती करवा देती। मैं कहूँ मैंने की पता सी, तू मैंने पहले दसता। बहरहाल वहाँ से डगलस ग्रेसी साहब आ गए। ग़ुलाम अहमद उनका ज़ाती हवलदार था, लेकिन ज़ाती दोस्त इसलिए बना कि उसने कुर्बानी दी। ये बर्मा लड़ाई हो रही थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जब बम गिर रहे थे तो ग़ुलाम अहमद ने आगे होके कहा कि साहब आप पीछे हो जाएं, आप जैसा अफसर नहीं मिलेगा, मेरे जैसे जवान बहुत मिल जाएंगे। तो ग़ुलाम अहमद की टांग कट गई थी, तो उनको उन्होंने 1 मुरब्बा ज़मीन इनाम में दिया। तो मुझे डगलस ग्रेसी पूछने लगा कि तुम पढ़ती हो ना, मांगता है? मैंने कहा जी मांगता है। कहता है किधर मांगता है? मैंने कहा जी सिग्नल में मांगता है। तो उसने अपने हाथ से एक लेटर लिखा GHQ को कि इसको भर्ती कर लो। तो वहाँ से, यानी मैं बता रहा हूँ कि किस्मत किस तरीके से इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, कहाँ है कमांडर इन चीफ और कहाँ है मैं एक गरीब आदमी जिसका ना उर्दू ना अंग्रेज़ी ना कुछ। तो वहाँ मैंने अंग्रेज़ी उन्होंने मुझे सिखाई फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फिर उन्होंने मुझे लेफ्टिनेंट बना दिया। लेकिन जस्तजू ये थी कि इकबाल को बाद में मैंने पढ़ा तो वो कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो मैंने कहा कि चलो इंग्लैंड चलते हैं। तो मेरी वालदा कहने लगी कि मैंने भी साथ जाना है, 1800 रुपया उस वक़्त किराया था जहाज़ का। तो मैंने कहा कि जी हम 3 आदमियों का किराया। तो वालदा कहने लगी कि हम वो ज़मीन बेच देंगे तो ये किराया भी बन जाएगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाने दूंगी आपको। मैंने कहा जी उसकी वजह क्या है? सब लोग जाते हैं, मैं जाऊंगा तो
50,000 रुपया कमा के वापस आऊँगा, यहाँ आके एक हट्टी वट्टी खोलेंगे, पान की दुकान खोलेंगे, मज़े से रहेंगे। वाइफ मेरी स्कूल टीचर थी, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी बन जाएगी, इरफान अभी छोटा है। वालदा कहती है कि बेटे तू पिंडों उठाने से भर्ती होया, असी शादी तेरी पिंड कीती सी, ते तू वो पिंड वाली उत्थे छड आया ते ए लाहौर वाली कर ली तू, प्रेजेंट वाइफ ते सुन दे वा कि इत्थी रह जाएगी ते तू उत्थों गोरी होर लै लेंगी, जाके गोरी नाल शादी करेंगे, इस वास्ते मैं नाल जाना। और यहाँ आकर मैं अपनी वाइफ को साथ लिया है, मेरा जो बच्चा है इरफान अब काउंसलर है, ये उस वक़्त 3-4 महीने का था। मार्च 1962 में लंदन हीथरो एयरपोर्ट पे लैंड किया, लंदन से ग्लासगो एयरपोर्ट में आए। मुझे ये ख्याल था कि मैं जिस दोस्त के पास आ रहा हूँ वो मुझे लेने आएंगे। एयरपोर्ट पे उतरा तो इधर उधर देखा कोई आदमी नहीं है, और वो चौधरी नज़ीर फौत हो गया, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलवाया था। तो मैंने देखा कि चौधरी साहब तो है नहीं, अब मजबूरन हम टैक्सी में बैठे, और उनका एड्रेस मेरे पास था, वो टैक्सी ड्राइवर को दिखाया तो बहुत अच्छे अखलाक से पेश आया, उसने बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया, और उसने मांगा एड्रेस, तो मैंने एड्रेस दिया। और वहाँ एड्रेस पर जाकर भी वो पहले ख़ुद ऊपर गया, ये उसकी मेहरबानी कह लें आप कि हम अनजान हैं बैठे हैं, वरना वो नीचे उतार के चला जाता, लेकिन पहले ऊपर गया और फिर वो चौधरी नज़ीर को इतला करके आया कि आपके मेहमान आए हैं, तो वो नीचे आकर हमको लेके गए। तो वहाँ गए तो चौधरी साहब आके उसी वक्त आकर वो वर्दी उतार रहे थे, तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ, मैंने कहा चौधरी साहब ये क्या किया आपने, तो कहते हैं यार इतने पैसा पहले दोस्ती बाद है। तो मैंने कहा जी क्या मतलब आपका, कहता है मैं अभी आ रहा हूँ ड्यूटी से, मेरी ड्यूटी लेट हो गई थी तो मैं आ ही रहा था तुम्हारे पास। छोटे से कमरा मुझे 2.5 पाउंड किराए पे मिला, और सेंटर में मैंने वो कंबल की दीवार बनाई, तो वालदा उधर सोई और उधर बच्चे को डाला, और फिर अम्मियाँ बीवी वहाँ, यानी एक ही कमरे में सिर्फ चादर का फ़र्क था। तो वालदा बहुत रोई, सारी रात रोती रही, तो दूसरे दिन मुझे कहती है बेटे मुझे वापस भेज दो। तो मैंने कहा माँ मैं कहाँ से भेज दूँ, आगे उधार लेके आए हैं, अब किराया कहाँ से लूँगा। तो वो दुआएं करती रही, रोती रही कि मैं कहाँ इस मुसीबत में फंस गई हूँ। तो मैं फ़तेह शरफ के पास गया कि मैंने कहा जी मुझे टिकट चाहिए, तो वो कहते जी क्यों, मैंने कहा जी मेरी वालदा इस तरीके से आई हैं और वो 1.5 महीना हो गया रो रो के, उनका बुरा हाल है, पैसा मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने मुझे उधार पे टिकट दे दिया कि ठीक है वालदा को तुम भेज दो। 3 महीने के बाद मैंने वालदा को वापस भेजा। मेरे बच्चे को नमूनिया हो गया, तो ये हॉस्पिटल में मैं नहीं जा सका पैसा कमाने की खातिर, कि मेरी बसों में मैं ड्राइवर था। तो मैंने कहा मेरी शिफ्ट जो है ये ख़राब ना हो जाए, जो कि मैंने अभी उधार लिया है टिकट, इसके पैसे भी मैंने देने हैं, यानी औलाद को कुर्बान किया पैसे के ऊपर कि ठीक है ये मैंने कर्ज़ा देना है। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत से हम लोग निकले हैं। फ़तेह शरफ के साथ मेरी दोस्ती हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि यार तुम मेरे पास काम कर लो, तो मैंने उनके साथ 4 साल काम किया, और मेरी वो जो ट्रेनिंग सोशल सर्विस है वो फ़तेह शरफ से शुरू होती है, वो मेरा टीचर था। अगर कोई आदमी पाकिस्तान से आता था तो हम उसको वेलकम करते थे, और उसको 1 हफ्ते का ख़र्चा भी देते थे, और साथ 2-2 पाउंड दे देते थे, फर्ज़ किया 10 आदमी मिलके उन्होंने 20 पाउंड दिए, इसलिए देते थे कि हमें पता था कि वो भी कर्ज़ ले कर मेरी तरह आया होगा, तो यार ये अपने माँ बाप को भेज दो और बाकी पैसों से अपना गुजारा करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं फिर तुम दूसरों की इसी तरीके से मदद करना। और ये ट्रेडिशन फ़तेह शरफ की वजह से, और जो पुराने लोग थे उन्होंने ये ट्रेडिशन कायम किया, कि इसी की वजह है कि लोग ज़्यादा मेहनती थे उस वक़्त, कहते थे कि नहीं जी हमने पैसे कर्ज़ा भी उतारना है, जो नया आएगा उसको भी सपोर्ट करनी है। 1965 में मैंने दुकान ली इन्हीं दोस्तों की मदद से, फ़तेह शरफ, याकूब अली, बशीर मान, इन सब ने
1,000 पाउंड डाल के मुझे कहा कि तुम वो दुकान ले लो। तो उस वक़्त 7,000 पाउंड की एक दुकान आई थी। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, फिर रात को 1 बजे दुकान बंद करता था। तो वापस आकर 3 या 4 घंटे होते थे उसमें रोटी खाना। वाइफ जो थी वो बेचारी दुकान पे आती थी, लेकिन बच्चों को हमने उस वक़्त निगलेक्ट किया। बच्चों की वो परवरिश नहीं की जो आजकल के बच्चे आप लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो हम नहीं दे सके। तो वो दुकान मैंने जब ली तो अब इनका कर्ज़ा भी मैंने उतारना था। तो मेरी वालदा की पीछे डेथ हो गई, तो मुझे जब इत्तला मिली कि वालदा फौत हो गई हैं, तो मैंने अपनी दुकान बंद नहीं की, वहीं रोता रहा, लोगों को सर्व करता रहा और वालदा के जनाजे पे नहीं पहुंच सका हूँ। चूँकि मुझे टिकट के पैसे उतारने थे, मुझे पीछे माँ बाप को पैसे भेजने थे, इतना मुश्किल था कि अंदर के जज्बात जो हैं ये बयान आदमी नहीं कर रहा है। तो जो गाहक आ रहा है उसको हम वेलकम कर रहे हैं, उसको हंस के कह रहे हैं कि वेलकम मिस्टर स्कॉट, मिस्टर नेल्सन, जो भी नाम है, ताकि ये गाहक हमसे और रग़बत पैदा करे, किसी दूसरी दुकान पे ना चला जाए। अंदर से मैंने जब वालदा का सुना तो मैं रो रहा था, लेकिन सामने जो गाहक खड़ा था उसको मैं हंस हंस के वो कर रहा था। तो रात को घर गया 1 बजे, तो फिर मियाँ बीवी हम रोने बैठ गए। वो 3-4 घंटे रो के सुबह फिर दुकान खोली, फिर वही हंसना इन लोगों के साथ ही, मसनू हंसन जिसको कहते हैं हंसी। तो ये उन सारी तकलीफ़ों में है डॉक्टर साहब, के हमारी मजबूरियां थी उस वक्त। और यहाँ आकर मेरे ख़्याल में कोई आदमी उस वक़्त इतना खुश नहीं था, रोता था कि हम कहाँ फंस गए। लेकिन चूंकि फंस गए थे तो अब उससे निकलना बड़ा टाइम चाहिए था। तो उस वक़्त भी हमारा ये दिल चाहता था कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन उस वक़्त के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ी बहुत ये समझ है कि हमारे माँ बाप किस हालात से आए हैं, या उनको हम जब ले के गए हैं उन्होंने वहाँ के हालात देखे हैं, तो वो कदर करते हैं। लेकिन अब मेरे पोते जो हैं, पोतियाँ जो हैं, उनको इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि हमारे आबा व अजदाद ने क्या तकलीफ़ें काटी हैं, और उन तकलीफ़ों की वजह से आज हम अगर अच्छी गाड़ी में फिर रहे हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सब वो चीज़ें हैं जो हमारी कुर्बानियाँ हमने अपनी ज़ात को पीछे रख के किया है।